स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बिहार पॉलिटेक्निक के कॉलेज है उनमें जो है लेटरल एंट्री से जो एडमिशन होता है उसके रिगार्डिंग जो है सीट मैट्रिक्स जो है वह जारी कर दिया गया है DECE के द्वारा। ठीक है, जो BCCEB बोर्ड जो होता है वह जो काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स जो है वह जारी कर दिया है। तो जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है उसमें जो होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वह जारी हो गया है 2021 से 2022 सेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस कॉलेज में जो है कितना सीट जो है वह वैकेंट है। जो स्टूडेंट ITI के हुए रहते हैं उनको डायरेक्ट जो होता है एडमिशन जो होता है बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में वह सेकेंड ईयर सेशन में हो जाता है। ठीक है, और जो 10+2 है उनका भी, जो स्टूडेंट ITI किए हैं उनको सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग का होता है जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक किए हुए रहते हैं उनको डायरेक्ट जो होता है थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग में जो होता है बीटेक के लिए एडमिशन हो जाता है लेटर एंट्री के थ्रू। वैसे ही इसमें भी होता है कि जो ITI किए हुए हैं वो डायरेक्ट जो है वो सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक में आ सकते हैं। उसके लिए जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ द सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DCCLE 2021 फॉर एडमिशन इन सेकेंड ईयर फॉर सेशन 21-22 फॉर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक है, तो हम लोग कॉलेज वाइज देखेंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट जो है वह वैकेंट है LE के लिए। ठीक है, तो पहला है NGP पटना 13। जो NGP पटना जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है उसके लिए 6 पोस्ट खाली है, 6 जो वैकेंट सीट है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी 6 है, एक डिजिबिलिटी कोटा का है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो में 3 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6 सीट है और एक जो है डिजिबिलिटी कोटा का है। तो टोटल सीट जो खाली है NGP पटना 13 में उसमें 33 सीट जो है अभी वैकेंट है, इसको लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और 2 सीट जो है वह डिजिबिलिटी कोटा का है। नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देखते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज। नेक्स्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज है GP पटना 7 पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सीट जो है वह 8 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 6 है, केमिकल इंजीनियरिंग का 15 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 13 है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का 19 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का 30 सीट वैकेंट है, सिविल इंजीनियरिंग का 7 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 12 है। तो जीपी पटना 7 में 110 सीट जो है अभी वैकेंट है। ठीक है, और 2 जो है वो डिजिबिलिटी कोटा का है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो ITI किए हुए हैं वो डायरेक्ट जो है पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये जीपी पटना 7 का है। नेक्स्ट कॉलेज जीपी मुजफ्फरपुर। जो मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो 6 सीट एम्प्टी है अभी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 9 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 9 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी 9 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 8 है। तो टोटल सीट जो है जीपी मुजफ्फरपुर में वह 41 जो है अभी वैकेंट है। इसमें जो है LE के थ्रू ही एडमिशन होगा क्योंकि काउंसलिंग जो है वह समाप्त हो चुका है DCCE का, तो लेटरल एंट्री के थ्रू क्या होगा इसमें एडमिशन होगा। नेक्स्ट कॉलेज है जीपी भागलपुर। जीपी भागलपुर जो कॉलेज है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का 6 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 16 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 8 सीट वैकेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 9 है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का 23 है। तो जीपी भागलपुर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें 62 जो है सीट जो है अभी वैकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है जीपी सहरसा। जो सहरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो है वह 6 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 10 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 28 है। ठीक है, और उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का 19 सीट जो है अभी वैकेंट है। तो टोटल सीट जो है जीपी सहरसा में वह 73 जो है वह अभी तक एम्प्टी है। ठीक है, एक जो है वह डिजिबिलिटी कोटा का है। तो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग में प्रेफरेंस दे सकते हैं किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, और उस कॉलेज में जो है उस ब्रांच पे जिस ब्रांच में आप पढ़ना चाहते हैं वह ब्रांच अवेलेबल है या नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरा जीपी गया, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गया, उसके रिगार्डिंग देखते हैं। जो जीपी गया है उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग का जो सीट अभी एम्प्टी है वो 6 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 7 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 12 है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 10 खाली है। ठीक है, टोटल जो है 41 सीट जो है अभी खाली है जीपी गया में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गया में। नेक्स्ट है जीपी दरभंगा, जो दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है उसमें 11 सीट एम्प्टी है अभी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 9 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी 9 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो है वह 14 है। टोटल सीट जो है जीपी दरभंगा का वह 50 सीट अभी एम्प्टी है, वैकेंट सीट है अभी 50 सीट, इसके लिए अभी काउंसलिंग दे सकते हैं, अच्छा प्रेफरेंस रहेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट कॉलेज है जीपी बरौनी, बरौनी पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें जो होता है सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसके लिए 8 सीट एम्प्टी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी 16 है, केमिकल इंजीनियरिंग का 3 है। तो जीपी बरौनी है इसमें 43 सीट जो है अभी वैकेंट है, इसको जो है लेटरल एंट्री के थ्रू ही एडमिशन होगा। जो क्या है जो आईटीआई किए हुए हैं वो डायरेक्ट जो है वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए सीट मैट्रिक जो है वो जारी किया गया है बीसीसी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है जीपी पूर्णिया, जो पूर्णिया पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का 8 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी 6 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 9 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 26 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो है 19 सीट है। टोटल सीट जो वैकेंट है वह 68 है। ठीक है, जीपी छपरा, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज छपरा में है उसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग का 8, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 4, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 12 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है 6 है, और मैकेनिकल जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का उसमें 18 सीट जो है वो एम्प्टी है। टोटल सीट जो है छपरा पॉलिटेक्निक में वो 55 जो है वह एम्प्टी है। ठीक है, वैकेंट सीट है 55, उसके लिए जो काउंसलिंग होगा उसके लिए सीट मैट्रिक्स जो है बीसीसी के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट जीपी गोपालगंज, उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किस ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है। 80 सीट इसमें जो है वह वैकेंट है अभी, दो एलिजिबिलिटी कोटा में, अब ब्रांच वाइज अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जीपी कटिहार है इसमें जो है 38 सीट जो है वैकेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जीपी वैशाली, वैशाली पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें जो है इसमें भी देख सकते हैं टोटल सीट जो अभी एम्प्टी है वह 30 है, 30 को सीट जो अभी खाली है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है जीपी लखीसराय, जो लखीसराय पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसमें क्या है, जिससे सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है उसमें 5 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 4, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 10 है। टोटल सीट जो लखीसराय पॉलिटेक्निक कॉलेज का है उसमें 26 सीट जो है वह एमटीएस है, वैकेंट है। ठीक है, जैसे जीपी देहरी ऑन सोन, इसमें जो है टोटल सीट जो है वह 50 जो है वह एमटीएस है। जीपी अस्थामा नालंदा, जो नालंदा में अस्थामा में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें जो है 27 सीट जो है अभी वैकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है जीपी शिवहर, इसमें भी देख सकते हैं 56 सीट जो है वह वैकेंट है। आप वैकेंट सीट को पहले देख ले और किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आप काउंसिलिंग में जो है कॉलेज का प्रेफरेंस दें। ठीक है, नेक्स्ट है जीपी मोतिहारी, इसमें क्या है 41 जो है सीट जो है वह वैकेंट है। नेक्स्ट मधुबनी जो है इसमें 39 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हर एक कॉलेज का इसमें गिवन है पीडीएफ में। बीकेपी इंस्टीट्यूट ऑफ सीतामढ़ी है, इसमें जो है वह 62 सीट जो है वह एम्प्टी है, वैकेंट है अभी तक, इसमें भी जो है एडमिशन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है जीपी कैमूर, जीपी कैमूर में भी क्या है 55 सीट जो है अभी खाली है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वह जमुई है, जमुई जो है इसमें क्या है 34 सीट जो है वह एम्प्टीज है। जीपी टेकारी गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है गया में है, उसमें भी जो है ब्रांच वाइज आप देख सकते हैं
37 सिटीज में एम्प्टीज है, शेखपुरा में देख सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग जो है आप अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज में देख सकते हैं कि किस पॉलिटेक्निक कॉलेज आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका सीट मैट्रिक्स जो है वह सीट वाइज गिवेंस है, ठीक है, आप हर एक कॉलेज का देख सकते हैं। ये बांका का है, जीपी मधेपुरा है, बक्सर का है, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, ठीक है, जीपी नवादा का, जीपी नवादा का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नवादा, सिवान का है, 25 सीट खाली है, औरंगाबाद में 50 सीट खाली है, खगड़िया है, ठीक है, जहानाबाद। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीपी जीडब्ल्यूपी पटना 14 जो इसमें जो है 82 सीट एम्प्टीज है, जीडब्ल्यूपी भाग मुजफ्फरपुर इसमें 94 सीट जो है वो एम्प्टीज है, ठीक है। नेक्स्ट, आप कुछ प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके लिए जो भी है लेटरल एंट्री के एडमिशन के लिए सीट जो है वैकेंट है, जैसे पीकेपी औरंगाबाद है इसमें 149 सीट जो है अभी एम्प्टीज है, सिविल इंजीनियरिंग का 6 है, कंप्यूटर साइंस का 39 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6 है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का 60 सीट खाली है। आप देख सकते हैं कि पीकेपी औरंगाबाद है इसमें 149 सीट जो है खाली है, जेपीआईटी नालंदा इसमें 32 सीट खाली है, ईसीपी वैशाली इसमें 76 सीट खाली है, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट, जीडब्ल्यूपी हरनौत इसमें 96 है, जीएसएम पॉलिटेक्निक कॉलेज औरंगाबाद इसमें क्या है 87 सीट है, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक गया टोटल इसमें क्या है 441 सीट जो है अभी एम्प्टीज है, वैकेंट है, ठीक है। जितने प्राइवेट कॉलेज है उसमें क्या है, जीएमसी कॉलेज औरंगाबाद इसमें 285 सीट जो है वो एम्प्टीज है। तो आप देख सकते हैं कॉलेज के अकॉर्डिंग कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना, उसी अकॉर्डिंग जो है आप कॉलेज का जो है काउंसलिंग जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।